रेशम का इतिहास जितना पुराना और दिलचस्प है उससे कई ज्यादा दिलचस्प है कि रेशम के कीड़े से दुनिया के सबसे खूबसूरत धागा बनाने का सफर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेशम के कीड़ों का जीवन काल महज 2 से 4 दिन का ही होता है। ऐसे ही कई कीड़े रेशम उद्योग के लिए पाले जाते हैं, लेकिन जब कीड़ों की उम्र अधिकतम 4 दिन ही रहती है, जो दुनिया के सबसे शानदार रेशम के धागे के जनक हैं। इन्हीं धागों से रेशम का कपड़ा बनता है। आइए जानते हैं कि इन कीड़ों से कैसे रेशम का धागा बनता है। रेशम का कीड़ा बेशक 4 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन इस दौरान माता रेशम कीट 300 से 400 अंडे देती है। लगभग 10 दिन के अंदर प्रत्येक अंडे से एक कीड़ा निकलता है, जिससे लार्वा भी कहा जाता है। इसके बाद 3 से 8 दिन तक यह रेशम कीट अपने मुंह से एक तरह प्रोटीन को निकालते हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है और एक धागे का रूप ले लेता है, जिसके बाद इस धागे से एक बॉल आकार बन जाता है, जिसे हम कोकून कहते हैं, जिससे रेशम को तैयार किया जाता है। इस कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए इसे गर्म पानी में डाला जाता है। एक कोकून से 500 से 1300 मीटर लंबा रेशमी धागा प्राप्त होता है। धागा बनाने के दौरान कीड़ा खुद अपने ही बनाए रेशमी जाल में फंस कर मर जाता है। धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।